होगा जिस पर इसका निजाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस महीने के आगाज से ही नजरिया पाकिस्तान फोरम ने फैसलाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को ये पैगाम देने का सिलसिला शुरू किया है। ये इसके बाद पूरा साल ये सिलसिला जारी रहता है और मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारी इस नौजवान नस्ल को जिसके कदों पे हमारे मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां भी हैं और जिनके जहनों में इस वतन की तामीर का जज्बा भी है, तो इनके हाथों में दवा में इकतदार आएगी तो क्यों ना इनको आबा का, अपने असलाफ का, अपने आबा अजदाद का वो सबक याद ला दिया जाए जिसको याद करके ये अपने लिए राह अमल भी मुतय्यन कर सके जो राह मुस्तकीम है और सिरात मुस्तकीम भी है। आज मुझे इस कॉलेज में आपसे खिताब करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन, आज की ये सुबह, आज की ये तारीख इस कॉलेज की तारीख में भी एक यादगार तारीख होगी। क्या हमने ये अहद किया है, ये अजम किया है कि हम नजरिया पाकिस्तान को अपने दिलों में बसाएंगे और उसको अपनी जिंदगियों में भी नाफिज करेंगे। नजरिया पाकिस्तान ही नजरिया इस्लाम है। पंजाबी ने शेर पेश कर, मैं की शेर पेश कर ताकि मेरे हाजिरी इस हवाले से भी लग जाए। तब मेरा वजूद सारा खताओं का सिलसिला, उनका कर्म सरापा अताओं का सिलसिला। देखो वो चश्मे इश्क अकीदत जहान में फैला हुआ है उनकी जियाओं का सिलसिला। ताइफ उहद में मक्का मदीना में बद्र में शिखला दिया नबी ने वफाओं का सिलसिला। होती है मुस्तजाब बफैज़े दुरूद पाक, जारी है इसलिए ही दुआओं का सिलसिला। और उनके दरे अता से मिले बेहिसाब जब, उनके दरे अता से मिले बेहिसाब जब, क्यों हम रियाज छोड़े सदाओं का सिलसिला। मैं इसके साथ यहाँ से इजाजत चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी नजरिया पाकिस्तान के हवाले से यहाँ बातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।